बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 8.5 जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट की। उसमें मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के जो मेथड था वो बताया, जिसमें हमने कुछ ब्रैकेट्स का जो है ना वो जिक्र किया था। उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आज हम मजीद पार्ट्स जो है ना वो करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी 8.5 है, ये इसके 15 पार्ट्स हैं टोटल। मैं आपको ये सारी एक्सरसाइज जो है वो करवाऊंगा थोड़ी थोड़ी करके, दो दो तीन तीन पार्ट्स, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से जो है वो हो जाए। सबसे पहले उसी तरह से जिस तरह पहले आपको बताया था कि आप ये इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपने अपनी जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने फोर्थ पार्ट जो है वो लिखा एक्सरसाइज 8.5 का। सबसे पहले जो है वो आपने बार को सॉल्व करना है। बार के बाद आपकी राउंड ब्रैकेट, फिर आपकी कर्ली ब्रैकेट्स और एंड पे बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी बार जो है वो क्वेश्चन के ऊपर बार आपको मिले और बार से आप देखेंगे जो इस एक्सप्रेशन के आगे अगर आपको साइन माइनस का मिलता है, तो बार को सॉल्व करते हुए ये साइन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बार को आपने सॉल्व करना, अगर तो यहां पे प्लस होता है तो ये बार खत्म कर देना था और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना था, लेकिन यहां पर साइन जो है वो माइनस का है इस एक्सप्रेशन, ये माइनस का साइन, ये साइन भी जो है वो चेंज कर देगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2y प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस इंटू, ये देखें एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, ये आपकी जो बार है वो खत्म हो गई है। बार को मैंने सॉल्व कर दिया, साइन चेंज कर दिया। अब आप राउंड ब्रैकेट की तरफ आएंगे, राउंड ब्रैकेट में जो आपके पास वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे। तो 2y x प्लस एक्स, ये आपका 1x इस x से जो है वो कैंसल हो गया, प्लस माइनस 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 2x जो है वो आपके सामने बाकी रिमेनिंग बचा और आपकी जो राउंड ब्रैकेट है वो सॉल्व हो गई। राउंड ब्रैकेट के बाद आती है कर्ली ब्रैकेट्स की बारी। तो कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, इसको आप पहले इसको सॉल्व कर लें 2x माइनस 2x, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व कर लें 2y, ये भी आपकी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो गई। लास्ट में आपकी जो बॉक्स ब्रैकेट है वो आपकी खत्म होगी और ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए, मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से जो है वो काम किया है, इसी सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। बार पहले सॉल्व होगी, बार के बाद आपकी राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगी, राउंड ब्रैकेट के बाद आपकी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगी और एंड पे आपकी बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो सॉल्व होगी। ये आपका स्टूडेंट्स था फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी आपने इसी रूल को फॉलो करना है। फिफ्थ पार्ट आपकी एक्सरसाइज 8.5, इसमें आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली ब्रैकेट्स हैं 2xy प्लस इनटू 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। इसके अंदर जो है वो बार जो है वो नहीं है, हम आते हैं राउंड ब्रैकेट की तरफ। राउंड ब्रैकेट में ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर 2xy, इसको आप जब सॉल्व करेंगे 3 में से 2 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो y स्क्वायर जो है रिमेनिंग वैल्यू बचेगी। ये आपकी राउंड ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो सॉल्व होगी। आगे कर्ली ब्रैकेट्स की तरफ जो है वो चलते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में आपको पता है कि अलजेब्रा का रूल है कि सेम वेरिएबल्स जो है सेम वो आपने एड सब्ट्रैक्ट जो है ना वो करने होते हैं। अब ये वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये बाकी बॉक्स ब्रैकेट जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें आपका सिक्स पार्ट भी इसी रूल को फॉलो करते हुए आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो है वो इजी है, बस आपने अपने जो मेथड है उसको नहीं छोड़ना, ब्रैकेट्स का जो मेथड है। सिक्स पार्ट आप देखें, इसमें है बॉक्स ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स है 9a4 प्लस 5
ए स्क्वायर प्लस इनटू ए स्क्वायर प्लस वन। इसमें भी आप देखें आपको बार जो है वो नजर नहीं आ रही, तो हम सीधा चलेंगे अपनी राउंड ब्रैकेट की तरफ। 9a4 प्लस 5a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन। राउंड ब्रैकेट में कोई चीज सॉल्व नहीं थी हो रही, उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। आगे आप देखें 9a4 प्लस 5a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी 6a स्क्वायर प्लस 1, और साथ ही जो है वो राउंड ब्रैकेट जो है वो मैंने खत्म कर दिया। राउंड ब्रैकेट के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स की तरफ आएंगे और सेम वेरिएबल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो सेम वेरिएबल इसमें कोई नहीं है। तो आपकी जो है ये 9a4 प्लस 6a स्क्वायर प्लस 1, ये आपकी कर्ली ब्रैकेट खत्म, और लास्ट पे आपकी बॉक्स ब्रैकेट भी जो है वो खत्म हो जाएगी, और ये आपका सिंपल आंसर रहा। तो ये मैंने आपको प्रीवियस में फर्स्ट थ्री पार्ट्स करवाए, आगे जो है ये आपको फिर मैंने मजीद तीन पार्ट्स करवा दिए हैं, ठीक है, 3-6 इसकी आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ अपनी कॉपीज में भी नोट करेंगे। प्रैक्टिस जो है वो आपने लाजमी करनी है, नहीं तो ये आपको भूल जाएंगे। शुक्रिया।